बंडा एसडीपीओ शिखा सोनी के निर्देशानुसार थाना प्रभारी नसीर फारूकी आए सक्रिय नजर बरा स्टैंड पर हो रहे ट्रैफिक जाम से एवं अव्यवस्था से आम जनता को मिला निजात। बंडा में विगत वर्षों से ट्रैफिक व्यवस्था सही तरीके से न होने के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटना होती रहती है, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा एक आरक्षक सोवरन यादव को बस स्टैंड पर तैनात कर दिया गया है, जो अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा से तपती धूप में भी अपना कार्य कर रहे हैं और अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं, जिससे आज ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त एवं सुचारू चल रही है। कहाँ के हो? मंडा। तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है? ट्रैफिक व्यवस्था ठीक है, पहले से ठीक है। यहाँ जो बड़ा स्टैंड पर ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर एक नंबर व्यवस्था चल रही है। पहले जो ट्रैफिक जाम होता रहा, हाँ, अपने यादव जी यहाँ पर देखते हैं, हाँ, एक नंबर व्यवस्था चल रही है। परातगड्ढा, गांधी मूर्ति सब जगह पहले जैसा जाम नहीं लगता है। अब क्या है बंडा स्टैंड पर ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है? अभी पहले से कुछ ज़्यादा व्यवस्था हो गई है। अपने पुलिस आरक्षक लोग हैं, यादव जी लोग हैं वगैरह, बढ़िया व्यवस्थाएं दिख रहे हैं ना। यहाँ थाना प्रभारी का कार्य कैसा चल रहा है? प्रभारी का कार्य कैसा चल रहा है? कोई खड़ा हो रहा है अपने सिस्टम तक तरीके से आ रहा है। दुर्घटना के कैसे आप? अभी बिल्कुल कम है, अच्छी देख रेख चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। नाम है आपका? नीलेश सलोदी। अच्छा, क्या है आपकी शॉप यहाँ से? हमारे मम्मा पान पहले पान की दुकान है। अच्छा, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है सोवरन यादव जी आरक्षक? जब से हमने व्यवस्था संभाली है तो रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं लग रहा है। अच्छा, बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था। दुर्घटना होने के आसार कैसे? कोई आसार नहीं। मध्य प्रदेश के सागर से मनोज मेहरा की रिपोर्ट, IND 365।